जम्मू कश्मीर जहन्नम में गया और क्या गया, जम्मू कश्मीर जहन्नम में गया, जम्मू कश्मीर जहन्नम में गया। आप जानते हैं कि हमने पहले ही आपके सामने रखा और आप उसको जहन्नम की तरफ ले जा रहे हैं। उसे जन्नत जो है उसके लिए तो कुछ नहीं किया जा रहा। अगर फिर दोस्त बर रोए जमी अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। इफ देर इज़ अ हेवन ऑन दिस अर्थ, इट इज़ हियर, इट इज़ हियर, इट इज़ दिस। आप बताइए जन्नत के लिए क्या किया? इलेक्शन अभी तक आप नहीं कर रहे हैं, सारी रियासतों में इलेक्शन कर रहे हैं, हमारा क्या गुनाह है? हम किसी और देश के साथ खड़े नहीं रहे थे, मगर हमारी भी तो इज्जत कीजिए, हमारे दिल को भी तो जीतने की कोशिश कीजिए। और तो मैं कुछ नहीं कहता, इसीलिए वो अल्फाज मैंने इस्तेमाल किए, ये आपके सामने क्लेरिफिकेशन दे रहा हूँ। जहन्नम में जाए, आपने ऐसा क्यों बोला? देखिए आप लोग मुझे तंग करते हैं। आप जानते हैं कि हमने पहले ही आपके सामने रखा और आप उसको जहन्नम की तरफ ले जा रहे हैं। उसे जन्नत जो है उसके लिए तो कुछ नहीं किया जा रहा। अगर फिर दोस्त बर रोए जमी अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। इफ देर इज़ अ हेवन ऑन दिस अर्थ, इट इज़ हियर, इट इज़ हियर, इट इज़ दिस। आप बताइए जन्नत के लिए क्या किया? इलेक्शन अभी तक आप नहीं कर रहे हैं, सारी रियासतों में इलेक्शन कर रहे हैं, हमारा क्या गुनाह है कि आप हमारे इलेक्शन नहीं कर रहे हैं? दूसरा बताइए, स्टेटहुड कौन सी रियासत है अभी तक, आप जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, जिसको रियासत से दर्जा यूटी का हुआ? बल्कि यहाँ तो मैंने देखा यूटी रियासत बनती, तो रियासत का क्या किया? जहन्नम नहीं बनाया, किस लिए, क्या फ़ायदा? आप कहते हैं टेररिज्म ख़त्म हो गया, क्या ख़त्म हुआ? क्या आज हमारे फौजी और अफसर नहीं शहीद हो रहे हैं? क्या लोग नहीं मर रहे हैं? आप टूरिज्म की बात करते हैं, आज तक उन्होंने टूरिज्म पर हमला नहीं किया, मगर एक टूरिस्ट पर हमला करेंगे आप देखेंगे टूरिस्ट ज़ीरो हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। ये तो शुक्र कीजिए वो नहीं कर रहे, क्योंकि हमारा सब कुछ उसी डिपेंडेंट है, हमारे पास कोई फैक्ट्री नहीं है। इन्हें कहा हम फैक्ट्रियाँ लाएंगे, कौन सी फैक्ट्री लाए? वो भी यूनाइटेड अरब रिपब्लिक से एमआर का एक मॉल बन रहा है, मॉल हमारे यहाँ पहले ही मॉल है, उसी कमी नहीं है। तो मेरा तो यही है, हम इस वतन के वासी हैं, ये हमारा वतन है। अगर हमारा वतन हो के हमसे इंसाफ नहीं हो रहा तो बताइए फारूक अब्दुल्ला क्या कहेगा? जहन्नम में तो पहुंचा ही आपने, तैश में आकर बोले थे आप। क्या करूं, दिल दुखता है अंदर से, मैंने लोगों के सामने जाना पड़ता है, मुझे गालियां पड़ती हैं। किसकी नीतियों की वजह से हुआ है? इसलिए बताइए क्यों किया? अगर हम खड़े हैं यहाँ पे, कौन था जब 96 में इलेक्शन हुए, कौन पार्टी थी? क्या कांग्रेस थी, बीजेपी थी? ये जो आजकल नाच रहे हैं थे, उसका सिर्फ फारूक अब्दुल्ला और उसकी जमात थी, बमों में गोलियों में खड़े थे। इसलिए ये झंडा जो है ये खड़ा रहे, खड़ा रहे, मगर उसकी आपको इज्जत नहीं। आप पार्लियामेंट के हमले की बात करते हैं, जब स्टेट असेंबली पे हमला हुआ, ये तो अल्लाह का करम है कि 5 मिनट पहले मुझे निकलना पड़ा गवर्नर साहब से मिलने के लिए, 40 लोग मर गए, क्या उसका कहीं मेंशन आता है, कोई बोलता है? वो ढूंढते थे फारूक कहाँ है, कौन है, कहाँ है फारूक, कहाँ है फारूक, फारूक जानते नहीं थे कहाँ है, सब बाहर से आए थे, बाहर पाकिस्तान, हाँ, और कहाँ से आएंगे, चीन से तो नहीं आते। तो ये देखते हुए भी आप हमारा दिल नहीं जीत रहे हैं। जब प्रधानमंत्री ने हमें बुलाया, सब लीडर्स को, मैंने प्रधानमंत्री से साफ एक बात कही, मैंने प्रधानमंत्री आपको हम पे विश्वास नहीं, हमको आप पे विश्वास नहीं, इस विश्वास को कैसे हम पैदा करें? प्रधानमंत्री ने जवाब में कहा, दिल की दूरी और दिल्ली की दूरी को दूर करना है। क्या आज तक उस दूरी को दूर किया गया?
बताइए आप, फारूक अब्दुल्ला कहेगा तो क्या कहेगा? हमारा कसूर नहीं है, हम लोग खड़े रहे, आज तक खड़े हैं, जब तक जिंदगी खड़े रहेंगे, इस देश के साथ खड़े रहेंगे, हम किसी और देश के साथ खड़े नहीं रहेंगे, मगर हमारी भी तो इज्जत कीजिए, हमारे दिल को भी तो जीतने की कोशिश कीजिए, और तो मैं कुछ नहीं कहता, इसीलिए वो अल्फाज मैंने इस्तेमाल किए, ये आपके सामने क्लेरिफिकेशन दे रहा हूँ, जो कई मीडिया के जमाते इसको बहुत उतर तरह के इस्तेमाल करेंगे, यह आदत ऐसी है, मगर दिल फट गया है, इतना अंदर है बयान नहीं कर सकता। आज रिजर्वेशन बिल आ रहा है औरतों के लिए, बताइए किस स्टेट में औरतों के लिए मैंने लड़कियों के लिए 50% रिजर्वेशन रखी मेडिकल कॉलेज में, क्योंकि हमारी औरतें आज भी मर्द डॉक्टर को दिखाना नहीं चाहती, जैसे राजस्थान में मैंने वहाँ से डॉक्टरी की है, रिजर्वेशन दी, किसी और स्टेट ने दी? पंचायत में 33% मेरी हुकूमत ने दी, मेरी हुकूमत नहीं थी जब ये DDC बना, मैं उस वक्त भी उसको भी रिजर्वेशन देता, कहते ना पंडितों का हंडू साहब थे, रेवेन्यू मिनिस्टर थे, कश्मीरी पंडित थे, मुसलमान इलाके से नेशनल कॉन्फ्रेंस को जितवाया, बखलू लेडी हिंदू कश्मीरी पंडितानी थी, उसको अपर हाउस में लाया कि इनकी आवाज़ हो, ये बोल सके, ये अपने मुद्दे उठा सके, हमने कभी मज़हब में फ़र्क नहीं किया, आप हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, हम सब इकट्ठे हैं, ये देश तभी आगे चलेगा जब हम इस बात पर रहेंगे, ये देश हम सब का है और इस देश को हम सब ने चलाना है, इस देश की मानता रखनी है, नहीं तो क्या रहेगा, देश को कुछ हो गया तो क्या हम बचेंगे? नहीं बच सकते। सब्सक्राइब टू मिड डे इंडिया. Get direct notifications on all our videos by clicking on the bell icon.